दोस्तों, ये एप्रॉन या रसोई कोट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 मीटर फैब्रिक। मेरा ये साइड से थोड़ा सा कटा हुआ भी है, बट इसी में हम इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो फैब्रिक है वो थोड़ा स्ट्रेचेबल है, बट आप कोई भी नॉर्मल कॉटन फैब्रिक या शर्ट वाला फैब्रिक ले सकते हो। सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेना है और मार्किंग करनी होगी। सबसे पहले लंबाई के लिए, लंबाई हम यहाँ पर रख रहे हैं 32 इंचेस। आप यहाँ इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 33, 34 या इससे कम भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी हम 32 पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मार्किंग करनी होगी हमें शोल्डर के लिए, तो शोल्डर के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा 5 इंचेस। अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आधा इंच और आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। जहाँ से आपने शोल्डर से लिया है उससे डबल आपको यहाँ पर लेना होगा। मैंने 5 इंच लिया था तो इसका डबल 10 इंच मैं यहाँ पर इसको मार्क कर दूँगी। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए, ऊपर से हमने लिया था 5 इंच, तो नीचे से इसको 0.75 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि 5.75 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे। इन दोनों को आप इसमें मिला दीजिए। यहाँ पर हम जैसे अपनी सूट में या शर्ट में आर्म होल के लिए कर्व डालते हैं, सेम वे में आपको यहाँ पर भी कर्व डाल देनी है। बात करते हैं ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट साइज जो भी आपका है उसमें 1 इंच आपको यहाँ पर लूजिंग डालनी है, उसका 1/4 लेकर। यानी कि ब्रेस्ट साइज 32 इंच था तो इसका 1/4 भाग हो जाएगा 8 इंच, और इसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद ये हो गया हमारा 9 इंच। सभी के लिए आप ऐसे ही ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 9 इंच मार्क किया था, यहाँ पर इससे आधा इंच ज़्यादा आप ले सकते हैं। यहाँ पर 9.5 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। इनको आपस में मिला दीजिए। अब जहाँ जहाँ से हमारी मार्किंग हुई है वहाँ से इसको ईजिली आप कट कर दीजिए। बहुत ही इजी है इस एप्रॉन कोट को बनाना। इसका कटिंग स्टिचिंग एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे इसको वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। ये देखिए, हमारा पार्ट कट कर रेडी हो चुका है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। अब बात करते हैं इसकी पॉकेट के लिए, तो साइड में से आपका इजीली फैब्रिक बच जाएगा, उसी में से आप पॉकेट कट कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइड से हम एक फैब्रिक को निकाल लेते हैं। पॉकेट की लंबाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 10 इंचेस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा भी ले सकते हो, 11-12 इंचेस तक भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई ले रहे हैं वो है 4.5 इंचेस। कंप्लीट में 4.5 इंचेस लिया है। यहाँ से इसको सीधा कर लीजिए। यहाँ से मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। इस तरह से मार्किंग करके इसको डायगनली इस तरह से मिला देंगे। अब जहाँ जहाँ से आपने मार्किंग की है वहाँ से इसको कट कर दीजिए। तो बहुत ही इजी आप इसमें इस तरह की पॉकेट को कट करके लगा सकते हो। मैं यहाँ पर एक पॉकेट लगा रही हूँ, अगर आप 2 पॉकेट चाहते हैं तो 2 पॉकेट भी सेम तरीके से कट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच पर आप मार्क कर लीजिए इसको फोल्ड करने के लिए। इस तरह से ये इजी हो जाएगा काफ़ी इसको लगाना। तो देखिए, यहाँ पर बीचों बीच हम एक पॉकेट को लगाएंगे। अगर आप 2 पॉकेट लगा रहे हैं तो दोनों 2 साइड में आ जाएंगी। यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए 11 इंच पर। 11 इंच पर हम ये पॉकेट लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर ये हमारा पॉकेट आ जाएगा। सबसे पहले अपनी पॉकेट को आपको ऊपर से फोल्ड करना है, उसके बाद इसको लगाना है। फिर इसको हम साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये टोटल आपकी एप्रॉन और पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। इसके अलावा इस तरह की हमें 3 पट्टियाँ और चाहिए होगी। एक की जो लंबाई है वो है 24 इंच और बाकी 2 की लंबाई है वो है 19 इंच। इनकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी हुई है 1.75 इंचेस। इसका यूज भी हम अपने एप्रॉन में करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले करते हैं शुरुआत। अपने एप्रॉन को आप इस तरह से उल्टा करके रख लीजिए और ऊपर सिर्फ सिंगल फोल्ड आपको डालना है। एक ही बार में डबल फोल्ड नहीं डालेंगे, इससे आप इजीली
मोड़ पाएंगे इसको, इसलिए इस तरह से एक बार सिंगल फोल्ड कर दीजिए। सिंगल फोल्ड में आपको आर्म होल वाली साइड, जो कर्व वाली साइड है, वहाँ से इसको फोल्ड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस पूरे एप्रोन को चारों तरफ से आपको इस तरह से सिंगल फोल्ड कर देना है। बहुत ही इजी है इसको बनाना, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे खाना बनाते टाइम हमारे कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और मार्केट से आप जिस वैल्यू में आप ख़रीदते हो, घर पर आप किसी भी इजी पुराने शर्ट वगैरह फिर किसी भी फैब्रिक से इसको इजीली बना सकते हो। तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको इसी तरह की और भी यूज़फुल वीडियो चाहिए, हमने अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर इस तरह की नई वीडियो आपको मिल सके। और यहाँ पर ये हमने कंप्लीट एप्रोन को सिंगल फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। अब हमें जो पट्टियाँ थी, हमें उनको रेडी करना होगा। तो इनको रेडी करने के लिए आपको इसको आगे से इस तरह से पहले फोल्ड करना है, फिर दोनों साइड से फोल्ड करना है, और फिर आपको इसको बीच में से फोल्ड कर देना है। अब किनारे से इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम आपको एक पट्टी जो है रेडी करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल सेम वे में जो हमने तीनों पट्टियाँ कट की थी उन सभी को रेडी कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक पट्टी रेडी हो चुकी है, इसी तरह से बाकी को भी हमने तैयार कर लिया है। अब इनको लगाना है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर वाले पोर्शन से। यहाँ पर जो हमारी 24 इंच वाली पट्टी थी उसको लगाएंगे, वो बड़ी है, वो यहाँ के लिए हमने कट की थी। इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच कर दीजिए, दूसरे एंड को यहाँ पर स्टिच कर दीजिए। इस तरह से आपको ऊपर वाले स्ट्रिप को लगाना होगा। इस तरह से दोनों को ही फोल्ड कर दीजिए और अपनी जो स्ट्रिप थी उसको यहाँ पर रख दीजिए। स्ट्रिप के ऊपर से दो से तीन बार आपको रिपीटेड स्टिचेस लगानी हैं, ताकि ये स्ट्रिप्स यहाँ अच्छे से फिक्स हो जाएं। इसके बाद आपका पूरा पोर्शन ईजिली यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा, आप सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम दोनों को फोल्ड करके यहाँ पर इसको फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर भी दो से तीन आपको रिपीटेड स्टिचेस लगानी हैं। हमने सिंगल फोल्ड किया था आर्म होल को, तो इसलिए अब इसको दोबारा से फोल्ड करना बहुत आसान है, इजीली यहाँ पर ये फोल्ड हो जाएगा। अब एक जो 19 इंच वाली हमारी स्ट्रिप थी वो यहाँ पर लगेगी। सेम तरीका रहेगा, फोल्ड करना है सिंगल और उसके बाद आपको इसको लगा देना है। आपको टोटल तीन स्ट्रिप्स इसमें चाहिए होंगी, एक हमारी नेक के लिए और एक अपने एप्रोन को पीछे की तरफ बांधने के लिए। अब पूरे को आपको एक बार और फोल्ड कर लेना है, इससे आपकी बेटर फिनिशिंग आएगी। कॉर्नर्स को अच्छे से बना दीजिए। इसी तरह से हम दूसरे वाले आर्म होल की तरफ आ गए हैं। अब जो दूसरी 19 इंच वाली पट्टी थी हमारी, स्ट्रिप थी, उसको यहाँ पर लगाना होगा। तो सेम वे में इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और लगा देंगे। इन स्ट्रिप्स को आपको अच्छे से टक करना है, ये बात बिल्कुल भी ना भूलें, और बाकी को आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एप्रोन रेडी हो चुका है। हमारा पॉकेट लगाना है, आप बिना पॉकेट के चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, और पॉकेट लगाना है तो इसके लिए हमने जो पॉकेट रेडी की थी उसको इस तरह से सबसे पहले करना है ऊपर से फोल्ड। तो कट हमने लगा दिए थे, तो इसको यहाँ से ईजिली हम फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। अब आपको जो साइड से हैं सभी साइड्स को फोल्ड करना है इस तरह से।
यहाँ से ऊपर कॉर्नर को एक बार फोल्ड कर लें ताकि बाहर की तरफ शो ना हो, और यहाँ पर अच्छे से सभी कॉर्नर्स को बना दीजिए। अगर आपको एक ही बार में फोल्ड करने में दिक्कत आ रही है तो प्रेस की मदद से आप इसको पहले सेट कर सकते हैं जितना आपको फोल्ड करना है, और तब इस पर आप स्टिच लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये पॉकेट भी तैयार हो चुकी है। अब इसको आपको अटैच करना होगा अपने एप्रन के साथ। तो इसको इस तरह से सबसे पहले इसको बीचों बीच आपको फोल्ड करना होगा ताकि हम इसके सेंटर के लिए मार्किंग कर सकें। यहाँ पर इसके सेंटर के लिए मार्किंग कर दीजिए। ये इसका सेंटर हो गया है। अब जो एप्रन होगा उसका सेंटर के लिए हमने पहले मार्किंग की हुई थी, इस मार्किंग को अच्छे से कर लीजिए बीचों बीच। ऊपर हमने 11 इंच पर जहाँ पर मार्किंग की थी वहाँ पर अपनी पॉकेट को रखना है। इस तरह से पिंस की मदद से आप इसको यहीं पर फिक्स कर सकते हैं ताकि आपको पॉकेट लगाने में आसानी रहे। अब यहाँ से एक किनारे से इसको सिलना शुरू करेंगे, और बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए आपको पूरी पॉकेट को इसके साथ अटैच कर देना है। पॉकेट लगाना इसमें बहुत ही ईजी था, और अपने कोशिश की है पूरे के पूरे स्टेप बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताने की। तो कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो ये पॉकेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सभी पिंस को रिमूव कर दीजिए, और ये बहुत ही सुंदर सा एप्रोन बनकर तैयार हो चुका है, रेडीमेड से भी बेटर। और अपनी फैब्रिक, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक लेकर हम इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं।